हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप का एक न्यू अपडेट आया था और इस अपडेट के बाद में काफी सारी प्रॉब्लम आप सभी को फेस करनी पड़ी। इसमें सबसे जो डेंजर वाली प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि काफी सारे लोग इस गेम को अपडेट ही नहीं कर पा रहे, और जिन लोगों ने गेम को अपडेट कर दिया है उन लोगों को भी गेम के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो ये टेंशन लेने की बात नहीं, आपका स्पेशल वीडियो आ चुका है। आज की वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर देना है। तो गाइस, सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी ये, अगर हम गेम को अपडेट कर लेते और अपडेट करने के बाद हम जाते कार ऑक्शन में, कार ऑक्शन में हम जैसे ही जाते हम टिकट बाय करते, उसके बाद में जैसे कार ऑक्शन स्टार्ट होता है तो हमें सबसे पहली प्रॉब्लम यही देखने मिलती है कि हम क्या कर पाते गाइस, हम कार पे बीट नहीं लगा पाते। हम कोई भी कोशिश कर लो, कोई भी बंदा, जितने भी लोगों ने गेम को अपडेट कर दिया ना, अभी वो कार पे बीट नहीं लगा पा रहे। तो ये हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है। देखो भाई, अभी मैं ना यहाँ पे ऑक्शन में आ गया, टिकट मैंने बाय कर लिया, बट मैं इस कार पे बाय नहीं कर पा रहा हूँ, इस पर मैं कोई बीट नहीं लगा पा रहा हूँ। मेरे डॉलर 1 करोड़ से ज़्यादा है बट फिर भी मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। तो मैंने एक बार गेम सेव करके देख लिया, अभी क्या मैं लगा पाऊँगा, तो अभी भी नहीं लगा पा रहा हूँ। डॉलर मेरे पास में बहुत ज़्यादा है बट फिर भी मैं ना कोई भी बीट नहीं लगा पा रहा। चलो ठीक है, पहली कार चली गई, हम दूसरी कार पर ट्राई करेंगे। क्या अभी मैं इस फोर्चे पर बीट लगा पाऊँगा? बिल्कुल नहीं, इस कार पर भी मैं कोई बीट नहीं लगा सकता। ठीक है, जिस किसी ने भी गेम को अपडेट कर दिया, अभी वो कार ऑक्शन में आ रहा है तो वो बीट नहीं कर पा रहा है। तो गाइस, ये जो हमारी प्रॉब्लम है ना, ये आखिर में हो क्यों रही है और इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। इसके बाद में एक और प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपने ना एम्प्लॉय हायर नहीं किया है ना, एम्प्लॉय हायर करने के लिए आपको ना ऐड देखनी पड़ती है, तो अभी ऐड लोड नहीं हो पा रही। आप कितना भी ट्राई कर लो ना, ऐड लोड हो ही नहीं रही। आप इंटरनेट ऑन कर लो, ऑफ कर लो, कुछ भी कर लो, बट फिर भी आपकी ऐड ना बिल्कुल भी लोड नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अभी बात करते हैं हमारे अपडेट के बारे में। तो गाइस, एक अपडेट आया था, मतलब 2-3 दिन पहले अपडेट आया था, शायद 24 तारीख को एक अपडेट आया था, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया था, और काफ़ी सारे लोग ना गेम को अपडेट नहीं कर पा रहे थे। अपडेट के अंदर आया क्या था गाइस, तो ये जो हमारे बंदे थे ना वो चेंज हो गए थे। देखो यहाँ पे जो ये वर्कर होते हैं ना, तो इनके ड्रेस वे चेंज हो गए थे, और जो हमारे जो ऑफिस के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं ना वो भी चेंज हो गया था, और जो सिटी के अंदर जितनी भी एमपीसी ने वो सब कुछ चेंज हो गई थी, और हमारे शोरूम के सामने ना एक गेट बन गया था। ये सारे चेंजेस हुए थे, बट जिसको अपडेट नहीं मिला तो उसके पास तो पुराना सिस्टम था, बट अभी जिसको भी अपडेट मिल गया ना उसके पास में ये सारी चीज़ें तो आ चुकी है गाइस। और इस अपडेट में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज़ हुई थी गाइस, वो थी ना एमपीसी का, जो टोटली चेंज हो गई थी। पहले ना काफ़ी घटिया से लोग सिटी में घूमते रहते थे, बट अभी ना बहुत ही कूल लोग यहाँ पे सिटी में तो आ गए। उसके बाद में जो हमारी ड्रैग रेस है ना, उसका भी पूरा जो ये मैप होता है ना, पूरे तरीके से चेंज हो गया, तो वहाँ पे बड़ा सा स्टेडियम बन गया था। वो सब आपने अपडेट वाले वीडियो में तो देख ही लिया होगा। तो ठीक है, तो ये सब तो अपडेट में आ गया था, बट आप सब इस गेम को अपडेट क्यों नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, तो अगर आप अपडेट नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये सभी आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम गाइस, मेन प्रॉब्लम है क्या गाइस। तो गाइस, अभी ना आप सभी लोग बस ध्यान से देखते जाओ, आपको आपका प्ले स्टोर ओपन कर लेना। अभी देखो, मैंने अपना प्ले स्टोर ओपन कर लिया, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, तो आपको ये सब नहीं करना है, बस आप ध्यान से देख लो ये प्रॉब्लम है क्या। मैं यहाँ पे सर्च के लिए कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप, हमारा गेम फर्स्ट नंबर पे आ चुका है, इसको मैंने ओपन कर लिया। देखो ये गेम है ना, ये अपडेट हो चुका है, पहले मैंने इसको अपडेट कर रखा था, ये गेम मेरे पास अपडेटेड है। तो ये गेम ना मैंने अपडेट कर लिया, बट आप सभी को अपडेट नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? तो वो देखो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ये गेम तो यहाँ पे मेरे को अपडेट मिल गया, बट अभी देखो गाइस, इसके बाद में देखो व्हाट्स न्यू गाइस। तो अपडेट में बता क्या रहेगा, जो आपको लास्ट वाला अपडेट मिला था ना, इससे पहले वाला, वो अपडेट की सारी इन्फॉर्मेशन है। मेगा अपडेट, ये अपडेट तो आपको सभी को मिल ही चुका होगा, 3 न्यू कार्स और जो गैरेज चेंज हुआ था सब कुछ वो पुराना वाला सिस्टम है। अभी जो नया वाला सिस्टम था वो कुछ अलग था, और ये वाला कुछ अलग बता रहे। और अभी यहाँ पे अपडेट की डेट देख लो गाइस, 16 नवंबर है गाइस, तो 16 नवंबर वाला अपडेट तो आपको मिल ही चुका है, बट अभी 24 नवंबर को एक अपडेट आया था, वो अपडेट आप सभी को नहीं मिला है। तो गाइस, अभी आप लोग ध्यान से देख लो, ये वो अपडेट था जो अभी अभी आया है, और ये आप सभी को नहीं मिला गाइस। तो अभी ना प्ले स्टोर पे इन लोगों ने ना इसकी इन्फॉर्मेशन हटा दी, और अभी पुराने वाले अपडेट की इन्फॉर्मेशन बता रहे। मतलब ऐसी प्रॉब्लम है क्या गाइस, जो पुराना वाला अपडेट था ना वो इसकी इन्फॉर्मेशन अभी डाल दिए, और इस अपडेट की इन्फॉर्मेशन अभी प्ले स्टोर से हट गई। आप खुद भी चेक कर सकते हो, आप जाके देख लेना, वहाँ से अपडेट की पूरी इन्फॉर्मेशन हट गई। मतलब आपको अपडेट ही नहीं मिला तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी भी नहीं, बट मेरे प्ले स्टोर पर ना ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, बट आपके इस पर अभी ना वो नहीं होगी, और अभी मेरे अंदर भी वो मेरे को नहीं मिली। इसका मतलब यही गाइस कि ये अपडेट था ना गाइस,
ये अपडेट आया तो था बट इन लोगों ने हटा दिया। क्यों हटा दिया गाइस? ये अपडेट करने के बाद ना गेम के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई ना गाइस, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। सबसे पहले तो गेम के अंदर बहुत ज्यादा लैग और बग्स आ गए, और मेन जो प्रॉब्लम थी ना गाइस, मैंने आपको बोला था कार ऑप्शन के अंदर आप कार बाय नहीं कर पा रहे हो। आप कितना भी ट्राई करोगे ना, आप बिल्कुल कार बाय कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अपडेट के बाद में ना ये प्रॉब्लम गेम के अंदर आ चुकी है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं गाइस, इसकी ये प्रॉब्लम ही मेन प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको तभी मिल जाएगा जब कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा, अपडेट के अंदर ये प्रॉब्लम ना रिकवर हो जाएगी। टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जैसे नेक्स्ट अपडेट आ जाएगा ना उसके अंदर ये प्रॉब्लम भी रिकवर हो जाएगी। तो अभी मैं आप सभी को यही समझाना चाहता हूँ कि गेम का एक अपडेट तो आया था, बट अभी ना जो डेवलपर्स हैं ना उन्होंने इस गेम के अपडेट को हटा दिया गाइस, क्योंकि इस अपडेट के बाद में ना गेम के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो गई थी। अगर आपने गेम को अपडेट नहीं किया ना तो आप लकी हो गए, क्योंकि आपको भी इन सभी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था, तो आपको इन प्रॉब्लम को फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक नेक्स्ट अपडेट आएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और गेम में आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें भी देखने मिल जाएगी, और अपडेट जैसे आएगा तो मैं वीडियो बना के तो आप सभी को बता ही देता। तो अभी आप सभी को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको अपडेट नहीं मिला है ना तो कोई टेंशन लो मत गई। अपडेट में कुछ ऐसा कुछ स्पेशल भी नहीं था, बस बंदे चेंज हो गए थे, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा वेट कर लो, अभी जो आपका पुराना अपडेट में ना वही गेम खेलो, जो न्यू अपडेट है ना वो तो हटा दिया गया, जिन लोगों ने हटा दिया मैंने आपको समझा तो दिया गया, ठीक है। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।